की ओर से देखना होगा कि अब पहले ही रेट में कुछ होने वाला है। वार्निंग देते हुए दोनों ही एम्पायर सिर्फ कैप्टन बोलेंगे, बाकी खिलाड़ी शांति से खेलेंगे, खेल का परिचय देंगे, खेल भावना का परिचय देंगे। जिला खैरागढ़ और देखना होगा अभी तक दोनों ही टीम का एंट्री रेट बिल्कुल संभल कर खेलते हुए दोनों टीम। और बहुत सुंदर टेकल यहाँ पर कैच जरूर किया, टेस्ट 30 नंबर के खिलाड़ी ने सपोर्ट पूरी टीम का आया, एकल मिला यहाँ पर जिला खैरागढ़ को और शिक्षा जिला खैरागढ़ का खाता खुला। टाइमली सपोर्ट, कबड्डी का खेल निश्चित रूप से तालमेल का खेल है, जहाज कुछ सेकंड के लिए चूके फिर रीडर को मौका मिल जाता है मेल लाइन तक पहुंचने का। सुरेंद्र कंवर बढ़िया रीडर लंबे करके, लेकिन वापिस क्योंकि निश्चित रूप से ये फल रहे खिलाड़ी बात को विशेष रूप से इसीलिए 7-1 करके वापिस गए थे। सुरेंद्र कंवर देखना होगा इस रेंज में कुछ ना कुछ जरूर होगा और छलांग लगाकर पार करने की कोशिश, लेकिन शामिल के बाद फिर टेकल कोरबा के खिलाड़ियों के द्वारा एकत्र मिला यहाँ कोरबा। सुरेंद्र कंवर जो इससे पहले ग्रेड में बहुत ही चपलता से क्लास पट्टी करके चले गए थे, अच्छे रेडर है ये, इससे पूर्व हमने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। देखना होगा इस मैच में क्या कर पाते हैं और एमटी रेट निश्चित रूप से संभाल कर मैं पुनः उस शब्द को दोहराना चाहूंगा और ये बोनस प्लस टच पॉइंट, दो बोनस प्लस टच पॉइंट जिला खैरागढ़ 2 अंक के साथ 3 अंक पर पहुंच चुके हैं जिला खैरागढ़। अंक अर्जित करना ही होगा, देखना होगा और ये लंबा स्ट्रेच एक अकेले की बात नहीं, सामूहिक टेकल की आवश्यकता थी यहां, रिस्क रेडर को लेना होता है। दुआ टाइम में एक अंक निश्चित रूप से मिला यहां पर जिला कोरबा को और ये देखिए क्या बढ़िया चैन टेकल यहां पर कोरबा के खिलाड़ियों के द्वारा, बहुत सुंदर चैन टेकल एक अंक कोरबा को, स्कोर बराबर दोनों टीमों का, डिजिटल स्कोर हमारे महासमुंद से आ रहा आमंत्रित किया गया है उनको, नंदा डिजिटल स्कोर महासमुंद बिल्कुल पारदर्शिता से यहां कबड्डी की तर्ज पर ये प्रतियोगिता खेला जा रहा है। बाहर से हमारे कवर्धा से, मुंगेली से, शक्ति से, माल खरौदा से, जांजगीर से, दूर दूर से हमारे बीच निर्णायक कराए हुए हैं ताकि मैच बिल्कुल फेयर और पारदर्शी हो और इसको देखना पड़ेगा कितना प्रारंभ कर दिए हैं निर्णायकों के द्वारा, लेकिन नहीं एक ही अंक मिलेगा क्योंकि बाकी टच बाद में हुआ था ऐसा लगता है, रेडर मेल लाइन क्रॉस कर गए थे उसके बाद बाकी टीम बाकी खिलाड़ी उनको टच किए, इसलिए सिर्फ एक अंक खैरागढ़ को। अच्छे रेडर है ये जिला कोरबा के, लेकिन बहुत ही संभाल कर खेलते हुए दोनों टीम, जिसका परिणाम 4-3 का स्कोर। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं दोनों टीम, ठोक ठोक कर कदम रखते हुए
क्योंकि कबड्डी सिर्फ ताकत का खेल नहीं, माइंड गेम भी है। और जो ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके खेलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से रनिंग घंटा बहुत सुंदर एक अंक जिला खैरागढ़ को देखना होगा कि डुआडाई में बोनस करने का प्रयास। और ये 30 नंबर चेस्ट जिनका है नंबर के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया कैच है उनका, लगातार दूसरा बार हो गया। भले उनके हाथ से छूट जाता है लेकिन उतनी तेजी से सपोर्ट आता है और इसलिए वो डिफेंस जो है वो सफल हो जाता है। बढ़िया रेडर है ये, देखना होगा चुपकी मारते हुए निकले सुपर एक बार जोर ताली बजा दे दर्शकों से साधारण ठंड को दूर भगाओ ताली बजा। अंतिम खिलाड़ी शेष जिला कोरबा के कोर्ट पर, वो भी क्या 24 आउट, कौन सा नंबर अंदर 55 इन। अंतिम रेडर ये चैन टैकल लेकर आए, निश्चित रूप से एक बंधु 3 अंक मिला यहाँ पर जिला खैरागढ़। अच्छे रेडर है लेकिन इनको ये फर्स्ट हाफ फर्स्ट टाइम आउट जिला कोरबा। फिर एक बार 24 इन और 55 आउट स्कोर 12-3 का जिला खैरागढ़ 12 जिला कोरबा 3 अंक। बोनसा के यहां मिला जिला खैरागढ़ को। निश्चित रूप से अभी तक बढ़िया खेल का परिचय देते हुए जिला खैरागढ़, अभी अभी नया नया जिला बना है खैरागढ़। एक अंक यहां मिला कोरबा को। बहुत देर बाद 4 अंक कोरबा और 13 अंक जिला खैरागढ़। और देखिए बड़ा सुंदर डिफेंस यहां पर, अंदर घुसकर पैर मारने का प्रयास। गज्जू यादव जहां कहीं भी हो यहां के संपर्क करें। गज्जू यादव और नसीम पटेल जहां कहीं भी हो आप दोनों यहां हैं। ये देखिए क्या खेल का प्रदर्शन यहां पर, रनिंग और लाभी का सुंदर उपयोग करते हुए रेडर जो है मेन लाइन तक पहुंचे। बढ़िया रेडर है ये, कई बार अभी तक अंक ले चुके हैं। और बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी अभी प्रो कबड्डी में जैसा बेंगलुरु बुल्स की ओर से खेलते हैं भरत हुड्डा। अपनी लंबाई को पूरी तरह से लाभ लेते हैं प्रो कबड्डी में। और ठीक वैसे ही ये कोरबा के खिलाड़ी लंबाई का पूरा लाभ लेने कोशिश कर रहे हैं। बीच से क्या जानदार इनका पकड़, ऑलराउंडर प्रदर्शन इनका सुरेंद्र कंवर का। अभी अभी रिंग में अंक अर्जित किए, फिर भी टेकल में अर्जित किए, सुपर टेकल आने यहां पर खैरागढ़ के लिए। पकड़े पर तो निश्चित रूप से खैरागढ़ को मिल सकता है लेकिन देखना होगा क्या एक साथ में पकड़ना होगा। दावा छकाते हुए कोरबा के ये खिलाड़ी और ये देखिए क्या शानदार यहां पर काटे की टक्कर। अभी भी संघर्ष जारी है दर्शकों में उत्तेजना उत्साह भरसक प्रयास रेडर के द्वारा लेकिन सुपर टेकल हुए आते खैरागढ़ को मिल गया। बहुत सुंदर टेकल एक अकेले एक ने पकड़ा बैलेंस निकाला दूसरा ने जाकर दबोचा फिर दोनों ने मिलकर के पकड़ लिया। एक दो दस दस का
बात है नंबर ले। अभी खैरन के घर के जो जो खिलाड़ी सुपर टेकर किए, चलिए इसमें अभी जो आगामी टीम की घोषणा की गई थी, बहुत सुंदर यहाँ पर देखा है खैरागढ़ के द्वारा और सुपर टेकरों के दो खैरागढ़ को ये दूसरा सुपर टेकर खैरागढ़ की ओर से। इससे पहले जब मैं घोषणा किया था आगामी टीम के लिए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आगामी टीम में जो मैच होगा, आगामी मैच होगा जिला सारंगढ़ वर्सेस जिला जांजगीर के जयचंद के जिला जांजगीर तैयार रहेंगे। इस मैच के बाद जिला सारंगढ़ वर्सेस जयचंद के तैयार रहेंगे। सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट खैरागढ़, दो बार बहुत सुंदर उन्होंने सुपर टैकल किया। पहले सुपर टैकल के लिए उनको 50 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है आदरणीय सीएल आदित्य प्रधान पाठक सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की ओर से। मैच पुनः प्रारंभ 17-28 स्कोर छाती दे लगा, एक अंक मिल गया यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट खैरागढ़ को और टेक्निकल पॉइंट के रूप में खैरागढ़ को एक और अंक मिल गया। और ये देखना होगा 5 खिलाड़ी पर बोनस अंक नहीं मिलता खैरागढ़ को। एंटी रेट निश्चित रूप से बहुत जल्दी कुछ करना होगा कोरबा को, कोरबा जिला को, क्योंकि अभी तक 11 अंकों का अंतर है दोनों टीमों के बीच। बहुत जल्दी कुछ न कुछ करना होगा जिला कोरबा को, क्योंकि अब निश्चित रूप से खैरागढ़ अपना समय काटने की कोशिश करेंगे। इन कर ले खिलाड़ी जो है, चलिए करो या मरो कुछ न कुछ होगा इस रेट में निश्चित रूप से, या अंक देंगे या अंक लेंगे, और निश्चित रूप से ले लिए आप कोरबा के जिला में एक अंक कोरबा पर निश्चित रूप से। जिला खैरागढ़ की रणनीति यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता हुआ, शायद वो थर्ड रेट पर खेलने की रणनीति उनका। क्लास पत्ती करो और फिर समय काटते रहो जब तक 28-29 सेकंड ना हो जाए, मेल लाइन के पास आगे खड़े हो जाए। लेकिन जो करना है अभी, जितना हड़बड़ाना है, जितना उछल कूद करना है कोरबा को करना होगा, क्योंकि 9-19 का अंतर और एक बार फिर रनिंग है का कोरबा एक अंक। सुपर रे थर्ड रे डुआटाई देखना होगा, मौका है ये कोरबा के पास। आलम का मेरे चूके यहां पर कोरबा के डिफेंडर अति उत्साहित हुए, इसका दुष्परिणाम हुआ कि जिला खैरागढ़ को मिला। चलिए सुरेंद्र कंवर लंबे गति अच्छे रेडर, देखना होगा इनको लाना ही होगा, इनके लिए हर रेट डू ऑर डाई के समान है, क्योंकि 10 अंक से पीछे है कोरबा, इसलिए इनके लिए हर रेट जो है डू ऑर डाई के बराबर है। हर रेट में कुछ ना कुछ करना होगा और कुछ ना कुछ होगा भी एक अंक मिल जाएगी लखारा कर दो। 21-10 का स्कोर।
और इनकी रणनीति साफ। पांच मिनट से इस मैच का स्कोर 21-10 का, पांच मिनट से 21-10 का स्कोर, 11 के बाद पांच मिनट का समय। और यहां पर यह सुंदर टेकल, सामूहिक टेकल, एक अंक यहां जिला खैरागढ़ को और मिलता हुआ। और शुभ निगम है इस तरफ कोरबा के कोर्ट पर, देखना होगा क्या रेडर रिस्क लेंगे या वॉक पॉइंट पार करके निकल जाएंगे चुपचाप 20-30 सेकंड जो लेते हुए, वही रणनीति जो स्पष्ट दिखाई देता हुआ मैच को थोड़ा सा शो करते हुए जिला खैरागढ़ के रेडर। समय निकलता हुआ, समय व्यतीत होता हुआ, देखना होगा यहां पर वापस होंगे निश्चित रूप से एम्प्टी रेट, समय व्यतीत होता हुआ। और ये सुपर टेकल ऑन कोरबा के लिए, निश्चित रूप से अगर एक साथ मिलकर पकड़े अभी अभी जो और ये देखना होगा यहाँ पर एक अंक मिल गया यहाँ पर जिला खैरागढ़ को, और इस मैच के तुरंत बच्चा जिला सारंगढ़ वर्सेस टेक्निकल टाइम फिर एक बार यहाँ खैरागढ़ को, इस मैच के तुरंत बच्चा जिला सारंगढ़ वर्सेस जय चंडी की तैयार रहेंगे। जैसे ही मैच खत्म होगी अविलंब कोर्ट में प्रवेश करेंगे दोनों टीम, क्योंकि आज ही पुरुष वर्ग का फाइनल मैच खेला जाना है। कुछ देर पहले हमारे भैया समीर बैठक बता रहे थे कि लखनऊ टेक्निकल पॉइंट कोरबा को, सुपर टेकल लेकिन लगता नहीं कि ये रिस्क लेंगे। निश्चित रूप से पूरी तरह से समय लेते हुए यहाँ पर खैरागढ़ के रीडर, क्योंकि उनको पता है कि डबल अंकों का अंतर 12-24। और अंक लेने का भरसक प्रयास करते हुए लेकिन वापस बिना किसी अंक एंटी रेट, और ये थर्ड रेट डुआ डाई, निश्चित रूप से डिफेंडर अगर शांति से खेल ले तो दो अंक निश्चित रूप से मिल सकता है, क्योंकि रिस्क रेडर के ऊपर रहता है थर्ड रेट में। क्या बात है, निश्चित रूप से शुभ टेकल के रूप में यहां पर कोरबा को, यही है चतुराई,
अंतिम समय तक मुश्किल काम निश्चित रूप से लेकिन असंभव नहीं। और ये देखिए टच पॉइंट निश्चित रूप से इनको मिले।